कब से कर रहे हैं बोलिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, हम लोग खुद ही कितनी जगह पर गए, कोई भी प्रभावित व्यक्ति मिस नहीं करे, सबके लिए हम लोग करते रहे। बाढ़ के संबंध में केंद्र को मदद करना होता है, उसकी एक टीम आती है, वो देख करके गई है, गांव प्रभावित था, निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया, अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अरे प्रभारी मंत्री जा करके मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट, और आप जानते हैं हम तो कई राउंड मीटिंग किए। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं, सभी पार्टियों की मीटिंग करेंगे और आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे। 1.25 साल चल रहा है और उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत इस साल के प्रारंभ से ही फरवरी से हुई है। अब उसी में हम लोगों के यहाँ आमंत्रित किया गया है आदरणीय राष्ट्रपति जी को, अब वो आने वाले हैं। 21 तारीख को उनका कार्यक्रम है, 20 को आएंगे, 21 तारीख को कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में वो पूरे तौर पर जिस तरह से आगे बढ़ा है और कैसे बिहार को एक अलग से राज्य का दर्जा मिला और उसके बाद हुआ, आप तो जानते ही, हम लोग मनाते भी हैं उसको भी, लेकिन ये जो विधानसभा का ये भवन तैयार हुआ तो उसके बारे में तो आप जानते ही, पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम होता रहता है और फिर जो सबसे पहले विधान परिषद बना था तो उसको लेकर के भी काफी पहले कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसका कार्यक्रम 100 साल का, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो अभी तो दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आकर के सब कुछ करेंगे, स्पीकर साहब ने उनको निमंत्रण किया है, हम सब लोगों से बातचीत किया है और आज ही ये बात हुई कि हम लोग देख लें कि क्या क्या हम लोग जो करेंगे तो कौन कौन स्पेस पर करेंगे, इसी के लिए हम लोग सब बैठ करके तय कर रहे थे, वही की जगह देख लें तो ये बहुत सुंदर है, यहाँ बोधि वृक्ष भी लगेगा और 100 साल की स्मृति में एक बनाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, तो उसको भी लगाया जाएगा, तो ये सब चीज होगा यहाँ पर। इसके बाद शताब्दी के लिए हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में ये कहने वाली बात है, और कब से कर रहे हैं बोलिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तब से ये समूचा फ्लड का, ड्राउट का, सबको कब से देख रहे हैं, आपदा को मालूम है जो सबसे पहली बार था 2007 में, तो कितना काम किया गया था और उस समय से हम लोग रूल बना करके, नियम बना करके किस तरह से करते हैं, और इस बार देख रहे हैं हम लोग खुद ही कितनी जगह पर गए और पूरा का पूरा समीक्षा करने के बाद जो सब जगह के जिलों के प्रभारी मंत्री जी हैं उनका भी कार्यक्रम कराया गया कि वहां जा करके लोगों से एक एक बात और पूछ लीजिए कि कहीं कोई चीज मिस नहीं करे, तो एक एक काम कर लिया गया, यहां पर तो कोई भी प्रभावित व्यक्ति मिस नहीं करेगा, सबके लिए हम लोग करते रहे, तो इसके लिए तो कोई बात नहीं हो, राष्ट्रीय स्तर की टीम आकर के देख के गई है, तो जो भी बाढ़ के संबंध में केंद्र को मदद करना होता है उसकी एक टीम आती है, वो देख करके गई है, जो मदद करेंगे वो करेंगे, लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं हुई है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में हम गए थे, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए, उस समय की बात है, तो कोई ज्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था, तो एक एक चीज किया था हम लोगों ने, और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है, तो आकर के टीम देख चुकी है, इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है, और आप जानते हैं कि हर तरह का, यानी जो प्रभावित परिवार है उसको हम लोग दे रहे हैं, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर रखना, भोजन कराना, और सबका देख रहे हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबका टेस्ट करना और टीकाकरण कराना, सब कुछ हुआ है। आज तक इतनी जगहों पर जहां कहीं भी लोग, गांव प्रभावित था, निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया, अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अब जरा जान लीजिए बिहार की स्थिति, हमने जानबूझ करके कहा था कि एक एक जगह टेस्ट कराई, सब टेस्ट कराया गया और सबका टीकाकरण भी कराया गया, तो एक एक काम किया जा रहा है, और उसके बाद जो फसल, जो हाँ मान लीजिए कि बाढ़ के कारण पेड़ भी नहीं लगा, अपना शुरू नहीं कर सके, खेती नहीं शुरू कर सके, तो ऐसे सब लोगों को भी पूरी मदद का भी निर्णय लिया जा चुका है, और जिनका फसल बर्बाद हो गया उसके लिए भी निर्णय लिया जा चुका है, तो हर चीज तो किए हुए हैं, और हर जिले में
हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट। और आप जानते हैं, हम तो कई राउंड मीटिंग किए और लास्ट में जब मंत्री जी गण को सब जगह भेजना था तो सारे मंत्री को साथ बैठा करके और पूरे बिहार के हर जिले के डीएम से लेकर के सब लोगों के साथ मीटिंग करके एक एक जानकारी लेकर के गाइडलाइन दे करके गाइडेंस दे करके एक एक तरह की बात करके और फिर लोगों को भेजा गया। इसलिए यहां पर किसी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ और है, मीटिंग तो हो चुकी है, अगर किन्हीं को पता है कहीं के बारे में तो वहां के बारे में सूचना दे दें। हमको नहीं पता है। देखिए, अब तो पत्र लिखते कहाँ, ज्यादा मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेंगे तब ना हम पढ़ेंगे जी। देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके, हम आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको हम क्या देखेंगे, उस पर मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं। सब काम करेंगे, वो तो हम दिल्ली में बोल चुके हैं, उसके लिए हम लोग बैठेंगे। हम लोग सब मिलकर के गए हैं और वहां से ऐसा हो गया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में ये बात, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में बैठेंगे, राज्य के लिए कुछ करना है उसके बारे में सभी पार्टियों की मीटिंग करेंगे और आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे, तो वो किया जाएगा। वो सब तो अलग चीज है। कांग्रेस क्या कर रहा है पंजाब में? कांग्रेस अपना न जाने, सब हम क्या लेते अपना जाने। विशेष राज के दल ये सबका, सब पार्टी का अपना अपना तौर तरीका, उसमें हमको कोई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।